So today I'm going to start the topic of topic antiseptic and disinfectant. और ये जो टॉपिक है हमारा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट्स का है और इसमें हम जो भी प्लांट्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सिंपल डेफिनेशन देखेंगे व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. द सिंपल डेफिनेशन अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इज एंटीसेप्टिक हम लिविंग थिंग्स पे यूज करते हैं और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज करते हैं. एंटीसेप्टिक दे आर केमिकल एजेंट्स यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड हेल्प टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज. ये वो केमिकल एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जर्म के इन्फेक्शन से बचाते हैं और डिजीज किसी भी डिजीज को फैलने से रोकते हैं. एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज ऑफन टू द स्किन इन द फॉर्म ऑफ हैंड रब्स और वॉशेस. एंटीसेप्टिक हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं, हैंड वॉश की तरह हम यूज कर सकते हैं या किसी सोप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज स्किन डिसइंफेक्टेंट्स. अब हम एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड स्टॉप देयर ग्रोथ. बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं. तो डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस बट दे आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स. दे आर प्राइमरली अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस सच एज फॉर क्लीनिंग योर काउंटर टॉप्स और ट्यूब्स एंड स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड अपरेटस. जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं सिंपल लैंग्वेज में ये बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल करते हैं और ये हम नॉन लिविंग थिंग्स अप्लाई करते हैं लाइक हम घर में जो भी पोछा लगाने में यूज करते हैं लाइजॉल, ये सब क्या डिसइंफेक्टेंट्स हैं. इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट को भी स्टरलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब जिस कैटेगरी में जो प्लांट्स हमारे सिलेबस में है वो है बेंजोइन, नीम, मीरा एंड टर्मेरिक. तो इस वीडियो में बेंजोइन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे प्लांट्स भी डिस्कस करेंगे. बेंजोइन इन सारे प्लांट्स में हमें पढ़ना क्या है इन प्लांट्स के बारे में, बस हमें इसके सिनोनिम, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, uses and chemical constituent. That is the main part for in our syllabus. तो benzoin का जो synonym होता है Sumatra benzoin, gum benzoin, laban. Families की होती है styraceae and biological source की बात करें तो ये balsamic resin होता है जो कि obtained होता है styrax benzoin. Organoleptic character में color इसका जो होता है वो ग्रेइश टू ब्राउन या ग्रे कलर का हो सकता है और इसका जो अडर होता है अरोमेटिक या खुद की एक करेक्टरिस्टिक अडर होती है. टेस्ट इसका स्वीटिस होता है एंड स्लाइटली एक्टिव. केमिकल कॉन्स्टेंट जो इसके होते हैं बेंजोइन के वो होते हैं सुमात्रा बेंजोइन कंटेन्स अ फ्री बाल्समिक एसिड एंड देयर एस्टर्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ट्राई टर्पेनिक एसिड लाइक सीआर रेसिनोलिक एसिड एंड सुमा रेसिनोलिक एसिड. Uses exists as a expectorant हम use करते हैं sputum को expel out करने के लिए, as a carminative use करते हैं, diuretic urine के secretion को बढ़ाने के लिए, used in the preparation of compound tincture of benzoin and also used in cosmetic industry for making soaps and perfumes and it is also used as a flavoring agent. About the benzoin and हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन. नेक्स्ट जो हमारे तीन प्लांट जो रिमेनिंग बचे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.